नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी आज का एजेंडा लेकर। देश इस समय दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन ये जश्न उनकी वजह से है जो दरअसल सरहद पर खड़े होकर हमारी और आपकी न सिर्फ हिफाजत कर रहे हैं बल्कि ये तय कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश अपनी आम जिंदगी जीता रहे। लगातार सीज फायर का उल्लंघन, एक अघोषित युद्ध, सीमा पर तैनात हमारे जवान और लगातार अपनी जान पर खेलते ये जवान ये तय कर रहे हैं कि हिंदुस्तान कितने सुरक्षित हाथों में है और देश की 125 करोड़ की जनता अपने तीज त्योहार पर्व आसानी से खुशी के साथ मना सके। तो ये दिवाली देश के इन जवानों के नाम। देश जब ये सोच रहा है कि आज हम फुलझड़ी जलाएं कि अनार, हम देसी बम छुड़ाएं कि हम चकरघिन्नी जलाएं, तो सीमा पर तैनात हमारे जवान मोर्टार, शेल, LMG, MMG से खेल रहे हैं। न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि दुश्मन के सीने पर अपना निशान कुछ इस तरह से छोड़ रहे हैं कि वो नेस्तनाबूद हो रहा है, उसकी चौकियां एक एक करके ध्वस्त हो रही हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि जब इस तरीके के अघोषित युद्ध होते हैं तो नुकसान दोनों तरफ होता है। हमारे जवानों को भी अपना बलिदान देना पड़ा है, अपना सबसे बड़ा बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान। उनका परिवार हमारे और आपके बीच ही है। जरा नजर घुमाइए तो नजर आएगा कि एक जवान जो सरहद पर तैनात है उसका परिवार हमारे और आपके बीच कहीं पर टिका हुआ है, वो भी अपने का इंतजार कर रहा है। लेकिन वो अपना उसका सीमा पर लगातार दुश्मन की फौज को जवाब दे रहा है। तो कुछ इस तरीके की है अब की बार की दिवाली। देश में इस बार हर परिवार से अपील है कि वो अपने आसपास रहने वाले उस परिवार को ढूंढे जिसका कोई ना कोई फौज में है और फौज में वो सीमा पर तैनात है। तो आज के एजेंडे में हम इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। छोटी दिवाली है, जब देश दिवाली के जश्न में डूबा है, सरहद पर अघोषित युद्ध छिड़ा है, दोनों तरफ गोलीबारी हो रही है, तो देशवासी दिवाली मना सकें वो भी बेफिक्र होकर, खुशियां बांट सकें वो भी अपने अंदाज में, इसके लिए जान पर खेलकर जवान सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। दो दिन में हमारे 4 जवान शहीद हो चुके हैं, शहीदों के घर पर मातम पसरा है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही अपील कर चुके हैं कि इस बार दिवाली सेना के साथ मनाइए, शहीदों के परिवार के साथ मनाइए। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी दीपावली सेना के जवानों के साथ ही मनाएंगे। और सीमा पर जो हमारे जवान तैनात हैं वो किन परिस्थितियों में हैं, किस तरीके से उनकी जान जोखिम में है और सामने वाले को किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, हमारे और आपके क्या दायित्व हैं उन सैनिक परिवारों के प्रति, ये सारी बातें हम विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ सेना के ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। जितेंद्र सिंह, संदीप रावत, मनदीप सिंह और अब नितिन सुभाष। सरहद पर टेंशन का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2 दिन के अंदर 4 जवान शहीद हो चुके हैं। 1 हफ्ते के अंदर हमारे वीर जवानों ने दुश्मन सेना के 15 रेंजर्स को मार गिराया है। यानी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अघोषित युद्ध छिड़ा हुआ है। सरहद की जंग में पाकिस्तानी सेना न सिर्फ देश की सीमा लांघ रही है बल्कि इंसानियत की लकीर भी पार कर गई है। बीती रात पाकिस्तानी रेंजर्स ने हमारे एक जवान की न सिर्फ छिपकर हत्या कर दी बल्कि उसके शव को भी क्षत विक्षत कर दिया।
दुश्मनों की हैवानियत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा पर हमारे जवान डटे हुए हैं। जिस वक्त देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है, उस वक्त सेना के जवान दुश्मनों से लड़ रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं ताकि देश महफूज रहे, ताकि हम और आप बेफिक्र होकर खुशियां मना सके। शहीदों के घर में इसीलिए मातम पसरा हुआ है ताकि देश भर में दिवाली मन सके। शहीदों के घर में इसीलिए अंधेरा पसरा हुआ है ताकि देशवासियों के घर में रोशनी जगमगाती रहे। प्रधानमंत्री मोदी खुद देश के वीर जवानों को सलाम कर रहे हैं। वो असुरों का वध कर रहे हैं, राक्षसों से हमें बचा रहे हैं। तो राक्षसों को जब मारकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लौटे तो अयोध्या ने दिवाली मनाई। पीएम मोदी इस बार आईटीबीपी जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। जाबाज सैनिकों के नाम संदेश भेजने का आह्वान भी पीएम ने दिया था। कुछ इसी तर्ज पर एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने देशवासियों से अपील की है कि इस बार की दिवाली वो सैनिकों के परिवार के साथ मनाएं। हमारा एक एक सैनिक पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभा रहा है, ऐसे में हमें भी उसके परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ उसके दिवाली के अवसर पर हमें उनके साथ शामिल होना चाहिए, जो कि अपने बेटे या पति या भाई जो कि सेना पर सीमा पर है उनको अपने साथ देखने के लिए तड़प रहे हैं। दिवाली में जब आप पटाखे चला रहे होंगे तो हो सकता है सीमा पर गोली चल रही हो। और उसके सामने हो हमारा एक वीर सैनिक आपकी रक्षा के लिए। इसीलिए इस दिवाली हमारे पास मौका है कि हम सैनिकों के शौर्य का कर्ज चुकाएं। सैनिक के परिवार के साथ दिवाली मनाइए, उनका हौसला बढ़ाइए, उन्हें अकेलेपन का एहसास मत होने दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो एक तरफ हमारे जाबाज अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं हमारे और आपके लिए, तो दूसरी तरफ देश में एक सुरक्षित दिवाली का जो पर्व है वो भी लगातार आगे बढ़ रहा है। चार तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं मुंबई, राजकोट, अलीगढ़, उज्जैन की ये तस्वीरें। दीपावली का त्यौहार कल, आज छोटी दिवाली। शहर शहर रोशनी से नहाए हुए हैं लोग, पटाखे फोड़ रहे हैं, दिए जला रहे हैं। एक बार फिर आपको याद करना होगा, सब कुछ उन वीर जवानों की बदौलत ही मुमकिन हो रहा है जो सीना तान कर बॉर्डर पर खड़े हैं, उनकी गोलियां झेल रहे हैं जो दुश्मन सरहद से भेज रहा है, कुर्बानी दे रहे हैं अपने प्राणों की और मौका दे रहे हैं देश को कि वो अपने तीज त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाता रहे। और जैसा हमने आपको बताया कि इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ बीडी मिश्रा जी हैं और साथ ही हमारे संवाददाता सोनू सिंह इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, आईटीबीपी के जवानों के साथ हैं। आज प्रधानमंत्री भी उन आईटीबीपी के जवानों के साथ दीपावली मनाने जा रहे हैं जो माणा एक गाँव है, भारत और चीन की सीमा पर आखिरी गाँव है ये, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी मनाएंगे अपनी दिवाली। पहले रुक करते हैं सोनू का। सोनू, बताइए कि किस तरीके से आईटीबीपी के जवानों में खुशी है, जो सैन्य परिवार हैं उनमें खुशी है, इसके साथ साथ ये दोहरी तस्वीर है, एक तरफ दीपावली का त्यौहार है तो दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ हमारे सैनिकों के, शहीदों के पार्थिव शरीर पहुँचे। बिल्कुल सही कहा शेखर आपने, एक तरफ तो ये गम भी नज़र आ रहा है कि जो हमारे
सम्मानित सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर उनके घर पर आए हैं, वहां पर मातम जैसे हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग फक्र भी कर रहे हैं। फक्र इस बात का कर रहे हैं कि जो तमाम हमारे सैनिक शहीद हुए हैं वो इस देव भूमि के हैं, वो देश के कोने कोने के हैं, इसलिए लोग फक्र कर रहे हैं। जिन परिवारों से शहीद हुए हैं सैनिक वो भी फक्र कर रहे हैं और दीपावली का जो जश्न है उसको फक्र के तौर पर मना रहे हैं। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री भारत और जो चाइना का सीमांत क्षेत्र है, बॉर्डर एरिया है, वहां पर पहुंच रहे हैं दीपावली मनाने के लिए। ये भी एक बड़े गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री सीमांत क्षेत्र पर जो है वो दीपावली के पर्व को सैनिकों के बीच मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। आईटीबीपी की 23वीं वाहिनी की जो एक कंपनी है वो पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है और बेसब्री से इंतजार कर रही है। और जो आईटीबीपी से जुड़े सूत्र हमें बता रहे हैं वो करीब 6:30 से 7:45 के बीच में प्रधानमंत्री अजीत डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है प्रधानमंत्री जी के, वो और आईटीबीपी के जो डीजी हैं वो या वहां पर माना में पहुंचेंगे और माना में पहुंचने के बाद दीपावली के जश्न को मनाया जाएगा। सैनिकों के बीच दीप जलाए जाएंगे। पूरे देश से, पूरे उत्तराखंड से ये आवाज उठ रही है शेखर कि जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनकी याद में उनको नमन करते हैं, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में। बिल्कुल सोनू, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपसे और भी जानकारियां लेंगे। हम रुख करते हैं बीडी मिश्रा जी का। बीडी मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देश किस तरीके से, चूंकि आपने खुद सेना में रहकर उन चीजों को करीब से देखा है, हमें बताइए कि जब एक सेना का जवान दीपावली के मौके पर बॉर्डर पर तैनात होता है उसके मन में क्या चल रहा होगा और यहाँ हिंदुस्तान के लोग किस तरीके से उनके परिवारों के साथ ये खुशियां बांटें, उनके साथ शामिल हों। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं 1962 आर में था और 1962 आर में चीन ने हमारे ऊपर अटैक किया हुआ था और उस वक़्त भी जब हमारे यहाँ देश में दीपावली हो रही थी तो हमारे बॉर्डर पर खून की होली हो रही थी और हम लोग चीनियों के खिलाफ लड़ रहे थे। आपको लता मंगेशकर जी का गाना याद होगा जिसमें उन्होंने यह बात कही थी कि जब हम देश में दिवाली मना रहे थे तो हमारे फौजी चीन के खिलाफ और चीन के बॉर्डर पर खून की होली खेल रहे थे। यह हम फौजियों का धर्म है, हम फौजी इससे समझते हैं और हम फौजी कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए देश के लिए तैयार हैं और इसलिए तैयार हैं कि हमारी जितनी आवाम है, हमारे जितने नागरिक हैं वो सुख चैन से रहें और उन पर कोई आँच न आए, उनकी आँच हम अपने सीने पर पूरे बॉर्डर पर लेते हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आज का जो हमारा भारत में नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी का, ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा था। जितने भी भारत में प्राइम मिनिस्टर हुए हैं स्वतंत्रता के बाद से लेकर के आज तक, मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर फौजियों के साथ, चाहे वो साई चीन हो, चाहे वो कारगिल का एरिया हो, चाहे वो कहीं और दूर दराज का एरिया हो, हमेशा वो एक न एक प्रोग्राम बनाते हैं और फौजियों के साथ अपना समय गुजारते हैं जिससे कि उनका मनोबल ऊपर होता है और उनको ये समझ में आता है कि पूरा देश और देश का नेतृत्व तो हमारे साथ है। और ये बहुत आवश्यक है, फौजी जब बॉर्डर पर आता है तो उसको ज़रूर याद तो आती है घर की, जैसे घर वालों को उसकी याद आती है, लेकिन देश की याद उसको बहुत ज़बरदस्त रहती है और देश की याद वो हमेशा करता रहता है और देश की याद में देश के सुरक्षा। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बताया कि उसके जहन में भी अपने परिवार वालों का ख्याल रहता है लेकिन उससे भी बढ़कर वो देश के बारे में सोचता है, उन 125 करोड़ लोगों के बारे में सोचता है जो दरअसल कभी उससे मिले भी नहीं होते हैं। हम सोनू का रुख करते हैं उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में इस समय। सोनू, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड में लगभग हर दूसरा परिवार या हर परिवार ऐसा है जिसका कोई ना कोई फौज में है, बताइए कि किस तरीके से वो त्योहार में भी अपना जश्न मना लेते हैं और उसके बाद जो लोग उनके सीमा पर तैनात हैं वहां से भी वो अपने आप को जोड़े रहते हैं, कैसे सैनिकों के साथ होती है दिवाली, सैनिक के परिवारों के साथ होती है दिवाली? देखिए शेखर, जो तमाम उत्तराखंड के सैनिक हैं, जो फौजी
हैं जी जो आर्मी का हिस्सा बनते हैं, जब वो ट्रेनिंग लेते हैं और यहाँ क्योंकि आईएमए का भी यहाँ पर हेडक्वार्टर है इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग होती है और जो कड़ी ट्रेनिंग होती है उस दौरान वो एक ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं, भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक रहेंगे हम। जी हाँ, तो इस तरीके से जब ये पंक्तियाँ वो गाते हैं और गुनगुनाते हैं और ओथ लेते हैं तो वो उनका मन और मस्तिष्क सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का चिंतन करता है कि वो कैसे सरहद पर जाकर कैसे वो अपने देशवासियों को सुरक्षा का संदेश देंगे और ये उनका जो जज्बा होता है यही उनकी खुशी होती है और इस खुशी के साथ ही वो दीपावली के पर्व को मनाते हैं। जहाँ पूरे देश के लोग शहीदों के नाम दिए जलाने का विचार कर रहे हैं वहीं जो सैन्य बाहुल्य प्रदेश के लोग हैं वो उनको नमन कर रहे हैं और यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है क्योंकि ये पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ी जो इलाके हैं वो सीमाओं से जुड़े हुए हैं और सीमांत क्षेत्र में जो तैनात रहते हैं फौजी वो फौलादी जो फौजी हैं वो बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज उन फौजियों के बीच में ही देश के प्रधानमंत्री दीपावली के पर्व को मनाने पहुंच रहे हैं, जैसा कि अभी रक्षा विशेषज्ञ भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के उत्तराखंड में दीपावली मनाए जाने से जो तमाम सीमाओं पर तैनात फौजी हैं उनका आत्मबल मजबूत होगा और उनमें एक नई ताजगी। बिल्कुल सोनू, आप हमारे साथ बने रहिए, मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि हमें और आपको ढूंढना है आज वो परिवार जो जिसका कोई ना कोई भारत की सरहद पर हमारी और आपकी रक्षा कर रहा है।